सबसे पहले मैंने 350 ग्राम के करीब लहसुन धो के हम इसको क्या करेंगे, छील लेंगे और हल्का सा धूप लगा लेंगे। और ये जो इसमें मसाले पड़ेंगे वो देख लीजिए आप, थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच ले लिया सौंफ, और दो चम्मच के करीब मैंने ले लिया मेथी दाना, और थोड़ी सी मैंने ले ली है पीली वाली सरसों, और इसमें मैंने थोड़ी सी काली सरसों भी मिला ली है, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच लिया है अजवाइन, और ये मैंने लिया है कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी ली है, और ये मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर आता है अच्छा। और ये थोड़ा सा मैंने तीखी मिर्च का पाउडर ले लिया है, और थोड़ा सा हम ले लेंगे इसमें हींग। और हम इन मसालों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके दरदरा पीस लेंगे। उसके बाद हम तेल गरम करके छौंका करके हींग डालेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, लंबे टाइम तक अगर हमें अचार सेव करना है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। इससे हमारा अचार लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व रहेगा। 2-3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। अगर हमारे पास विनेगर नहीं है तो हम इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, मतलब इससे हमारा अचार लॉन्ग टाइम के लिए सेफ रहेगा, ठीक है। लहसुन का अचार, जैसे मसाले मैंने बताए थे, क्या कहते हैं, मेथी सौंफ अजवाइन और वो सब हमने मोटा मसाला पीस लिया है मोटा करके, फिर मैंने इसमें डाल दिया कलौंजी मेथी सौंफ और अजवाइन और हल्दी नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे सिरका डाल दिया। अब हम इसको एक कांच की शीशी में स्टोर कर देंगे इस टाइप से। ये लहसुन का अचार बनके तैयार है। जो मसाले आपको बताए थे वो मैंने डाल दिए हैं, इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा इसमें सिरका डाल दीजिए। लहसुन का अचार फिर एक कांच के बर्तन में भर के रख दीजिए।